हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। डिजिटल लर्निंग लाइब्रेरी के इस मंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और बीमारी के बारे में कि एलोवेरा का यूज़ किस तरह से किया जाता है। ये पिछले वीडियो का अगला भाग है और अगर आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आप। तो दोस्तों चलिए चलते हैं बिना देर किए आज के वीडियो की ओर। दोस्तों, अगर आप कान के दर्द से परेशान हैं तो इसमें एलोवेरा को काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। एलोवेरा जूस को कान के दर्द में यूज़ किया जाता है। यदि किसी को कान दर्द की समस्या है तो इससे निजात पाने के लिए एलोवेरा का जूस हल्का गुनगुना करके जिस कान में दर्द हो उस कान में कुछ बूंदें डाल सकते हैं। इस विधि से कान का दर्द कम होता है और दर्द से राहत मिलती है। दोस्तों, स्किन के लिए भी एलोवेरा काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। अगर कोई मुहासों से कील मुहासों से परेशान है अपने चेहरे पे तो एलोवेरा जेल या पपीते के पेस्ट को मिलाकर आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे आपको कील और मुहासों से छुटकारा मिलेगा। अगर किसी तरह की स्किन की सूजन की समस्या है, किसी तरह सूजन हो गई है आपकी स्किन में, तो इसमें भी एलोवेरा यूज़ किया जा सकता है। आपके त्वचा पर सूजन या फिर रैशेज हैं तो आप एलोवेरा जेल को सूजन या रैशेज पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जल्द ही रैशेज या सूजन की हालत में सुधार आता है। यह एलोवेरा एंटीसेप्टिक की तरह भी जलन या छिलन में घाव भरने में काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। यदि किसी की त्वचा पे किसी प्रकार की जलन या छिलन है तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल आप रात के समय यानी सोने से पहले पानी से अच्छे से त्वचा को धो लें, अपनी प्रभावित त्वचा को धो लें और इसके बाद एलोवेरा जेल को लगाकर उसके ऊपर से नारियल तेल लगा दें। इसे रात भर रहने दें और सुबह साफ पानी से अच्छे से धो लें, लेकिन एक संयमित मात्रा में ही इसका उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अगर त्वचा में खुजली या चकते की समस्या है तो इसमें भी एलोवेरा काफ़ी फायदा दिलाता है। एलोवेरा त्वचा में ठंडक पहुंचाने के लिए काफ़ी अच्छी और गुणकारी औषधि माना जाता है। इस ठंडक से खुजली व चकतों में काफ़ी आराम मिलता है, इसलिए एलोवेरा का जेल लगाने से खुजली व चकतों की समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। एलोवेरा की अपकमिंग वीडियो जो आने वाली है उसमें हम बताने वाले हैं कि एलोवेरा के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ तब तक के लिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।